हाथरस जिले में घटना के बाद फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं की गई दुरुस्त। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दी जानकारी। हाथरस जिले में सत्संग में भगदड़ की घटना को लेकर अब फिरोजाबाद में के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था है दुरुस्त कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बालवीर सिंह का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर ली गई है। चाहे इमरजेंसी वार्ड हो या अन्य वार्ड, चाहे बच्चा वार्ड, सब में व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। और जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। अगर यहाँ कोई आता है तो उसका पूरा इलाज किया जाएगा और उसे हर सूरत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। व्यवस्थाएं को भी सफल किया गया। बहुत ही दुखद और ऐसी घटना है जो कि अप्रत्याशित है। और हम लोगों ने अपने अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं, एक्स्ट्रा डॉक्टर नियुक्त कर दिए हैं, ख़ासतौर पे हड्डी और सर्जरी विभाग के, मेडिसिन विभाग के, बच्चों के विभाग के। और इसके साथ साथ यहाँ से जो मरीज़ यहाँ पे थे उनको शिफ्ट कर दिया है ताकि बाहर के और मरीजों को वहाँ यहाँ पे इलाज में सुविधा हो जाए और आते ही तुरंत बेड मिल जाए। क्या कोई दवाई वगैरह भी टीम वगैरह की टीम की? अब अभी हमने यही व्यवस्थाएं अपनी सुदृढ़ की हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी टीम भी भेजेंगे।